स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में देनी होगी सेवा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना में सब्सिडी देगी सरकार। विदिशा के सिरोंज में दो संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। विदेशी आरोपियों को देख लोगों की लगी भीड़। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दोनों के पास ईरान का पासपोर्ट बरामद। ग्वालियर की डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए घमासान। 15 पार्षद दिल्ली लेकर पहुंची इमरती देवी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से की मुलाकात। सतना में दर्दनाक सड़क हादसा, दो वाहनों में भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर। जबलपुर से फिर सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। जान जोखिम में डालकर बच्चे पार कर रहे हैं रास्ता। टेंडर होने के बाद भी नहीं बन पाया पुल। रायपुर के खरोरा में मुख्यमंत्री बघेल ने दी करोड़ों की सौगात। सरकारी कॉलेज भवन का किया लोकार्पण। आत्मनंद स्कूल खोलने का किया ऐलान। 5 अगस्त को महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। पूरे छत्तीसगढ़ में होगा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री बघेल, मोहन मरकाम समेत सभी नेता होंगे शामिल। कल नागपंचमी के अवसर पर शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। शहर के बूढ़ापारा के शिव मंदिर में झांकी बनाई गई, जहां भगवान भोलेनाथ झूले पर बैठे नजर आए। जशपुर में पीडीएस दुकानों में कार्रवाई के विरोध में सचिव संघ की हड़ताल जारी। पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर है सचिव संघ। सचिवों की हड़ताल के कारण सरकारी योजनाओं का संचालन प्रभावित। डीए और गृह भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल। और उधर सरकार की कार्रवाई को लेकर बिलासपुर के सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश। कर्मचारियों ने आदेश की प्रतियां जलाकर किया विरोध। रायपुर पहुंचे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व सांसद रामविचार नेताम सहित ब्रजमोहन अग्रवाल ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। कोरबा में दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग। आग में जलकर लाखों का सामान हुआ खाक। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। बिलासपुर में फैक्ट्रियों से सामान चोरी करने वाला 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। करीब 1 लाख की चोरी का सामान हुआ जब्त। सरगिट्टी पुलिस की कार्रवाई। कोरबा में बारिश के साथ बड़ी सांपों के मिलने की घटना। सर्फ मित्रों ने दी जानकारी। सांपों के रेस्क्यू के लिए हर रोज आते हैं करीब 50 से 60 फोन। बिलासपुर में नॉन इंटरलॉकिंग काम के दौरान मेमू ट्रेन से टक्कर, अधिकारी की मौत के मामले में जांच टीम को सौंपी गई रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना में हुई अधिकारी की मौत, किसी पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। सारंगढ़ में पुल के नीचे मिला महिला और पुरुष का शव, दोनों का नहीं हो पाई शिनाख्त। हत्या की जताई जा रही आशंका। सरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर सारंगढ़ में बड़ा डायरिया का प्रकोप। पिछले 1 महीने में मिले 463 डायरिया के मरीज। 33 मरीजों का उपचार जारी। नरसिंहपुर में थाना प्रभारी के दुर्व्यवहार के विरोध में अधिवक्ता संघ ने किया प्रदर्शन। थाना प्रभारी के ट्रांसफर कराने की मांग। सारंगढ़ में अवैध गांजा तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30 किलो गांजा बरामद। सूरजपुर में लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। घटना विश्रामपुर इलाके की बताई जा रही। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कैदी की मौत। इलाज के दौरान हुई मौत। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। रेप के आरोप में जेल में बंद था कैदी। कोरबा में लकड़ी की चोरी को लेकर मारपीट। पूर्व जनपद सदस्य और वन कर्मी में मारपीट। वन कर्मियों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पूर्व जनपद सदस्य पर लकड़ी चोरी का आरोप, मारपीट करने का और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप।
जांजगीर चांपा में आरक्षकों पर मारपीट और पैसे मांगने का आरोप, पीड़ित परिवार को थाने में नहीं मिला न्याय तो एसपी से लगाई गुहार, डीएसपी को दिए जांच के निर्देश। सागर के जैसीनगर में दो बाइक में हुई आमने सामने से भिड़ंत, हादसे में दो लोगों की मौत, तीन घायल, जैसीनगर थाना क्षेत्र की घटना। दंतेवाड़ा में बेलगाम वन माफिया वन विभाग की टीम पर किया हमला, दो कर्मचारी हुए गंभीर रूप से घायल, किरंदुल थाने क्षेत्र की घटना। कोरबा में स्पेयर रेलवे ट्रैक की चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से पिकअप वाहन और गैस सिलेंडर जब्त, हरदीज बाजार इलाके का पूरा मामला। हर घर तिरंगा अभियान के रंग में रंगा मुख्यमंत्री शिवराज का सोशल मीडिया अकाउंट, मुख्यमंत्री शिवराज समेत मंत्री विधायकों ने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया तिरंगा। भोपाल में मंत्रालय में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने बिल्डिंग के पांचवीं मंजिल से कूदकर दी जान, मामले में एक बड़े अधिकारी पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। जबलपुर से फिर सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, जान जोखिम में डालकर टूटे पुल को पार करा रहे बच्चे, तीन साल पहले टूट चुका है वर्नी नदी के ऊपर बना पुल। शहडोल में पुलिस ने निकाला बदमाश का जुलूस, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मजदूर पर चाकू से हमला करने का है आरोप। पन्ना में महिला डॉक्टर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, जिला अस्पताल में पदस्थ बताई जा रही है, इलाज के लिए पैसे मांगने को लेकर लगाया आरोप। भोपाल के दुकानों के लाइसेंस फीस में बदलाव, अब सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से तय होगी फीस, एकल सड़कों की दुकान पर ₹4 प्रति वर्ग, मुख्य मार्गों की दुकान पर लगेगा ₹5 प्रति वर्ग फीस। धार में जोगी भड़क में पैर फिसलने से डूबे युवक की मौत, एक घंटे की तलाश के बाद युवक का मिला शव। कांकेर में किराने की दुकान में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना, कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, 14 साल की नाबालिग के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज न करने का भी लगाया आरोप। दतिया में रेलवे ट्रैक पर मिला अधेड़ का शव, मृतक की पटवारी आनंद श्रीवास्तव के रूप में हुई शिनाख्त, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। कार्तिक आर्यन और कियारा आंडवाड़ी अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा में आएंगे नजर, कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। रिलीज होते ही छाया PS1 का पहला गाना कावेरी से मिलने, 9 लाख से ऊपर गए व्यूज, फिल्म में ऐश्वर्या आएंगी नजर। बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही एक विलन रिटर्न, लगातार तीसरे दिन 7 करोड़ के पार हुई कमाई। बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ रही फिल्म विक्रांत रोड़ा, 53 करोड़ के ऊपर पहुंची कमाई। दलजीत के कॉन्सर्ट में पहुंची प्रियंका चोपड़ा, जमकर की मस्ती, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा जमकर वायरल।